नमस्कार, आप देख रहे हैं नाइन तक बिहार। सिवान में पकड़ा गया मुन्ना भाई, दूसरे के बदले दे रहा था बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो सिवान में दूसरे के बदले परीक्षा देना भारी पड़ गया और आखिर मुन्ना भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सिवान शहर में स्थित VMH उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज में गोपालगंज का परीक्षा सेंटर पड़ा हुआ था, लेकिन जब एग्ज़ाम शुरू हुआ तो एक मुन्ना भाई दूसरे के बदले परीक्षा देने लगा। आपको बता दें कि गोपालगंज फुवरिया थाना क्षेत्र के दुबे बतरहा गांव निवासी बब्बन ठाकुर का पुत्र संदीप कुमार एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम देने आया, लेकिन अपनी जगह एक दूसरे युवक को परीक्षा देने के लिए भेज दिया और वह बाहर ही टहलता रहा। परीक्षा दे रहे युवक पर परीक्षा हॉल में मौजूद वीक्षक को जब शक हुआ उसका एडमिट कार्ड से चेहरा नहीं मिलने के कारण वीक्षक ने बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन लिया जो कि मिसमैच हो गया। इसके बाद से तुरंत उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार मुन्ना भाई से पूछताछ पुलिस ने जब की तो उसने असली परीक्षार्थी को भी अपने पास बुला लिया, तो पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं। वहीं वह मुन्ना भाई की पहचान यूपी के प्रयागराज के करछना गांव के निवासी अजय कुमार के रूप में हुई है। इस पूरे मामले पर प्रधानाध्यापक क्या कहते हैं? बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल एक मुन्ना भाई की गिरफ्तारी के बाद VM उच्च विद्यालय से इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक ने बताया कि अजय नामक युवक दूसरे के बदले परीक्षा दे रहा था, जिसके पास से संदीप परीक्षार्थी असली परीक्षार्थी का फर्जी आधार कार्ड भी मिला है। इसकी सूचना बीपीएससी को दे दी गई है। वहीं दोनों को मदेवा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सिवान में पकड़ा गया मुन्ना भाई, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है, उसी में गोपालगंज युवक के बदले ये परीक्षा देने बैठा हुआ था। आपको बता दें कि ये यूपी का रहने वाला है, प्रयागराज का, और यह गोपालगंज के जो निवासी हैं उनके जगह पर ये बबन ठाकुर है, उनके के पुत्र है संदीप कुमार, उनकी जगह पे वो एग्ज़ाम दे रहा था और जब चेहरा नहीं मिला वीक्षक को शक हुआ तब मुन्ना भाई का बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन लिया गया जो कि मिसमैच निकला। उसके बाद से पूरे एग्ज़ाम सेंटर में खलबली मच गई और आना फान में इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, सिवान में मुन्ना भाई गिरफ्तार।